अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी अभी मुझे इत्तला मिली कि ये मुजम्मिल साहब मौलाना उनका एक्सीडेंट हुआ, एक साथी शहीद भी हो गए, कुछ साथी ज़ख्मी हैं, हज़रत मौलाना भी ज़ख्मी हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला शिफाए कामिला आजला आजला दायमा मुस्तमिर अता फरमाए, और जो साथी दुनिया से रुखसत हो गए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, करवटों अल्लाह उन्हें आराम नसीब करे, उनकी हड्डी हड्डी को अल्लाह जन्नत नसीब करे। बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह ताला हर शर से पूरी पूरी हिफाजत फरमाए आफियत के साथ। और साथियों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि भी सब दुआ करें, बल्कि हर मखलूक के लिए दुआ करनी चाहिए हमें, जो परेशान हाल हो अल्लाह उनके परेशानियों को दूर फरमाए। और चूँकि मैं मौलाना से मिला नहीं हूँ, लेकिन ये कि उनका सुनता रहता हूँ, माशाअल्लाह बहुत अच्छी तरीके से दीन की बात समझाते हैं, और इससे बहुत यानी लोगों को फ़ायदा भी होता है। अल्लाह जल्द अज जल्द उन्हें शिफा अता फरमाए, ताकि जल्द अज जल्द वापस आकर फिर दीन के काम में लगें और अल्लाह की बात को और बंदों तक पहुँचाए। इंशाअल्लाह सबसे दरख्वास्त है दुआ की, और जो मरहूम इंतकाल हो गया, जितने भी मरहूमीन हैं उन सब के लिए सारे सवाब भी कीजिए। अल्लाह ताला हम सब के लिए, पूरी उम्मत को अल्लाह अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे आफियत के साथ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।